जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब मुनीम जफर खान साहब यहां तशरीफ ला चुके हैं। अब इंतजामिया से बात होगी और ये दो गज की लोहे की सलाखें जिनको गेट कहा जाता है हम बहुत आदि हैं इनको अबूर करने के। हमने माजी में बेशुमार बॉर्डरें क्रॉस की है, हमने माजी में बेशुमार गेट क्रॉस किए हैं। अगर 5 मिनट के अंदर इंतजामिया नीचे नहीं आई तो यकीन जानिए ये गेट यानी दीवारें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आखिरी बार गैस इंतजामिया को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि वो आए और मुजाहिरीन से बात करें, उन्हें एतमाद मिले और बताया जाए कि गैस की लोड शेडिंग कब खत्म की जाएगी। जनाब मुनीम जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुनीम जफर खान साहब। ये गैस की बंदिश, ये गैस का बोहरान, ये गैस की कमी, दरअसल गैस की कमी नहीं है, ये हुकूमत की बद इंतजामी और हुकूमत की नाअहली है कि जिसका खुमियाजा आज कराची के शहरी भुगत रहे हैं कि लोगों का चूल्हा बुझा दिया गया है, लोगों का चूल्हा जलना नहीं दिया जाता। इस शहर के बेशुमार मसाइल हैं, एक मसला ये भी खड़ा हो गया कि आज लोग गैस की लोड शेडिंग की वजह से यहाँ एहतियात करने पर मजबूर हुए हैं। लिहाजा हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि गैस का जो बहरान, जो मजबूरी बहरान पैदा किया गया है जिसके नतीजे के अंदर सनतों को भी गैस मुहैया नहीं हो रही, जिसके नतीजे के अंदर सनतें भी बंद हो रही हैं, सनतें चल नहीं पा रही। एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपने सनतें बंद करने की, सनतों को गैस मुहैया नहीं करेंगे तो लोग बेरोजगार होंगे। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि न सिर्फ घरेलू सार्फिन को गैस मुहैया की जाए, घरों का चूल्हा जलने दिया जाए, वहीं हम इस बात का भी मुतालबा करते हैं कि सनतों को भी गैस मुहैया की जाए। और यहाँ समस्या ये है, एक डेढ़ साल है, अब सूरत हाल ये है, सीएनजी स्टेशन भी बंद है, सूरत हाल ये है कि घरों के चूल्हे भी बंद हो रहे हैं, 8-8 घंटे 6-6 घंटे ये गैस मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि आपने टैरिफ के अंदर इजाफा कर दिया है, जो बिल पहले 500 हजार में आता था वो अब 2,000 और 2,500 के अंदर आ रहा है। लिहाजा हुकूमत के लिए शर्म का मुकाम है कि एक तरफ कराची के लोगों के हकूक तलब किए जा रहे हैं, एक तरफ इस शहर के अंदर जो 3 करोड़ का शहर है इस शहर को 1.5 करोड़ की आबादी इसकी शो की गई है, दूसरी तरफ मुतालबा करते हैं। जिस तरह कहा गया यहाँ लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ आए हुए लोगों की आवाज नहीं सुनी तो ये सलाखें, ये ग्रिल, ये दरवाजे हमारे रास्ता नहीं रोक सकते। हम चाहते हैं
कि लोगों का मसला हल हो। हम चाहते हैं कि कराची के लाखों लोग जिस कर्फ से गुजर रहे हैं, जिस अजमाइश से गुजर रहे हैं, उनका मसला हल किया जाए। लिहाजा हम एक बार फिर इंतजामिया से भी मुतालबा करते हैं, हुकूमत को भी मुतनबे करते हैं कि आज तो यहाँ आपको लोग कम नजर आ रहे होंगे, आज तो शहर की सूरत के लिए हम अपने उन भाइयों के गम के अंदर भी शरीक हैं कि जिनको आज से चार दिन पहले जिनको शहीद कर दिया गया। बलूचिस्तान के अंदर 11 लोगों को शहीद किया गया, 11 कानकरों को शहीद किया गया, जिसके नतीजे के अंदर बलूचिस्तान के अंदर भी और शहर कराची के अंदर भी जगह जगह धरनों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे के अंदर लोगों को यहाँ पहुंचने में भी मसाइल का सामना करना पड़ा है। हम उनके गम में भी शरीक हैं, लेकिन हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आपका फर्ज बनता है लोगों को अमन मुहैया करें, आपका फर्ज बनता है कि कातिलों को गिरफ्तार करें, वहीं आपका फर्ज ये भी बनता है कि आप लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया करें, आप लोगों से उनके सीने काट कर जीने, आप लोगों को बुनियादी जरूरियात जो है मुहैया करें। आज इंसाफ ना हो, आज लोगों को रोजगार मैसर ना हो, आज घरों का चूल्हा ना जल रहा हो, उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे के अंदर लोग इस बात पर मजबूर होंगे, एहतजाज करें, मुजाहरा करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए सड़कों पर निकल आए। लिहाजा हम हुकूमत से इसी बात का मुतालबा करते हैं कि हमारी हुकूमत कराची सुबह से जहाँ गैस सबसे ज्यादा पैदा होती है, सूबे को गैस से महरूम न कीजिए। आपने मोहतरम मुरीद जफर खान साहब की आवाज़ के साथ ये इतना आई है, इसलिए गैस इंतजामिया आपसे बात करना चाहती है। हम भी पुरामन रहना चाहते हैं, हम भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन ये बात वाजे कर दूं कि अगर मुनासिब तरीके से यकीन दहानी नहीं कराई गई तो इतवार को मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान सुई गैस के हवाले से भरपूर राय भरपूर तरीके से अपने दाए अमल का ऐलान करेंगे। साथ ही साथ आप तमाम मुजाहिरीन से दरखास्त है कि वो यहाँ पर उस वक्त तक मौजूद रहे जब तक हमारा नुमाइंदा वक्त मुनीब जफर खान साहब की क्यादत में, इसमें हाशिम अब्दाली साहब सियाई यूथ के सदर, शाहिद अयूब खान साहब लेबर विंग के सदर, जनाब जाहिद अस्करी सेक्रेटरी जमात इस्लामी सेक्रेटरी इतला, इनकी मैयत में नुमाइंदा वक्त अंदर जा रहा है और सुई गैस की इंतजामिया शीशे के दरवाजों के पीछे है। अगरचे हम बंद कमरों पर मुदाकरात पे यकीन नहीं रखते, लेकिन कराची के वसी तर मफाद और अमन को मलूज खाते रखते हुए ये वक्त अंदर जा रहा है। आप लोगों से दरखास्त है कि अपने जज्बात को ठंडे ना होने दें और सबसे कुछ देर के बाद हम गुफ्तगू करके आते हैं। हम अंदर जा रहे हैं। हाशिम अब्दाली साहब, अल्लाह अकबर, नामंजूर।